हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंबॉलिक लॉजिक की अगली क्लास नेक्स्ट क्लास के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या था, हमने किसके किसके बारे में पढ़ा था। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट या मटेरियल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसका साइन क्या था, डॉट। इसका के साइन क्या था, वेज। इसका साइन क्या था, हॉर्सू, ठीक है। इसके बाद बाई कंडीशनल हमने पढ़ा था, इसका साइन क्या था, ट्रिपल बार। तो क्या कि यदि दो हमारे स्टेटमेंट थे तो सबकी वैल्यू क्या थी, तो जल्दी से हमने कितनी प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी कि चार ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दो कथन है तो या फिर एक सत्य होगा, दोनों सत्य होंगे, या एक सत्य एक असत्य होगा, या ये वाला सत्य असत्य होगा, ये सत्य होगा, या दोनों असत्य होंगे। तो कंजंक्शन की वैल्यू में क्या था, कि क्या हमने फिर एक बार याद रखी है, कंजंक्शन कब सत्य था, जब दोनों सत्य थे, दोनों सत्य थे तो सत्य था, बाकी जगह असत्य था। डिसजंक्शन में क्या था, डिसजंक्शन में कोई एक भी तर्क, कोई एक भी ट्रू, कोई एक भी ट्रू था तो ट्रू था। इसमें एक ट्रू है ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, दोनों एफ है तो एफ। ये हमने बताया कि कौन सी वैल्यू है, नॉन एक्सक्लूसिव की। एक्सक्लूसिव वाली हमने कहा था कि जब तक कहा ना जाए उसको नहीं लिखना है। इसके बाद अगली क्लास अगला इसमें आई है कंडीशनल या मटेरियल इम्प्लीकेशन। क्या है साइन इसका, हॉर्सू। हमने बोला था हॉर्सू, जब दो भी कथन या दो भी दो स्टेटमेंट हॉर्सू से जुड़े हों तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी, पी हॉर्सू क्यू, यदि पी इम्प्लाई कर रहा है क्यू को, तो बोला था यदि ये क्या है, पहला वाला पोर्शन क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, इसको कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट यदि फॉल्स हो जा रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी, क्योंकि क्यू दो ही हो सकता है कंडीशन से, फॉल्स हो सकता है ट्रू हो सकता है। तो एफ हॉर्सू एफ भी ट्रू था और एफ हॉर्सू ट्रू भी ट्रू था, ठीक है। और इसके अलावा हमने दूसरा बताया था कि कैसे एंटीसीडेंट नहीं देखिए कॉन्सिक्वेंट देखना है। तो कॉन्सिक्वेंट में दो चीजें हमेशा याद रखिए, ये नियम आपका यही है, याद करने के लिए हमने बताया था कैसे याद रखना है, कि यदि ये वाला ट्रू है, पीछे वाला मतलब हेतु मत ट्रू है तो ट्रू, दोनों एफ है तो भी ट्रू। तो किसी भी तरह से आप याद कर लीजिए ट्रू, ये देखिए एफ हो गया, एफ की बात ही नहीं हमने की, एफ। अब ये देखिए यहां पर पी का एंटीसीडेंट, पी हॉर्सू क्यू का एंटीसीडेंट क्या है, पी, दोनों जगह हमने कहा था कि एफ है तो ये वैल्यू इसकी ट्रू होगी, ठीक। वाई कंडीशन में कहा था दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू होगी और बीच वाली एफ एफ हो जाएंगी, ठीक। ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराया, आपके लिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, आर्गुमेंट फॉर, देखिए आर्गुमेंट फॉर्म की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करनी है, क्योंकि आर्गुमेंट होगा तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो इसके कई मेथड है कि भाई ये आर्गुमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है, फैलसी है इसमें नहीं है, तो सिक्स रूल्स भी पढ़े हमने, वेन डायग्राम के थ्रू भी वैलिडिटी इनवैलिडिटी चेक की। अब इसके थ्रू चेक करना है, ये क्या है टीएफ, टीएफ क्या कर रहे हैं हम, ये बेसिकली ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो ट्रुथ टेबल की सहायता से हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करेंगे, किसकी, आर्गुमेंट फॉर्म की। आर्गुमेंट फॉर्म क्या है, सिंबलाइज रूप है किसका, आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट जो भाषा में अभिव्यक्त है वो आर्गुमेंट है, और जब उसको भाषा को कि राम जा रहा है को हमने पी मान लिया, ठीक है, श्याम आ रहा है को क्यू मान लिया, तो जब हमने इसको सिंबलाइज कर दिया पी हॉर्सू क्यू या पी डॉट क्यू या पी वेज क्यू इस तरह से करके इस, तो उस वाले रूप को, उस वाले रूप को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये युक्ति रूप हो गया, भाषा से हम सिंबल में चले गए, मॉडर्न लॉजिक में चले गए, सिंबलाइज कर दिया तो आर्गुमेंट फॉर्म हो गया, ठीक। अब आर्गुमेंट फॉर्म की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करनी है, तो एक क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज
मान लीजिए पी हॉर्स रू क्यू निगेशन क्यू निगेशन पी, एक सिंपल सा भी लेता है। चलिए देखिए, तो हमेशा आर्गुमेंट में आपको हमने बताया कि क्या होंगे, आधार वाक होंगे और कंक्लूजन होगा। कितने ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताया दो आधार वाक होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल सिलोलॉजी में जो पढ़े थे उसमें दो ही होना चाहिए, इसमें हम तीन भी मान सकते हैं, तीन हमारे हैं। तो जो क्या है, ये जो है ये प्रेमिसेस है हमारे, तो पहली प्रेमिसेस ये है, दूसरी प्रेमिसेस ऐसा है, और जो इंडिकेटर देयरफॉर के बाद जो है वो हमारा कंक्लूजन है। ठीक, तो आधार वाक और डिस्कस ये सेम फॉलो करना है आपको। अब क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जानना है। तो हमने बोला आपको कि सबसे पहले देखिए क्या प्रोसेस है, इसको एक बार फॉलो कर लेंगे, कभी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। पूरे आर्गुमेंट फॉर्म को आप एक बार ध्यान से देखिए और पता करिए कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल हमने बताया क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है, इस तरह से लिखा हो, कहीं मान लो आपको ए बी सी डी कर दिया तो वो भी वेरिएबल आप के रूप में कंसीडर करिए। ठीक है, तो कितने वेरिएबल निकल के आ रहे हैं, एक पी दिख रहा है और एक क्यू दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, नंबर ऑफ रो निकाल लिया, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, टू की पावर एन, टू के एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, दो, टू इंटू टू कितनी बची, फोर, फोर रो बनेंगी, ये फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं, कैसे करते हैं इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने वेरिएबल लिखे, दो वेरिएबल है, वेरिएबल लिख दिए, मतलब कह रहे था कि ये आर्गुमेंट फॉर्म है इसको तोड़ो, इसको अलग अलग लिखिए, सेपरेट कीजिए। तो पहले वेरिएबल लिखे, इसके बाद क्या करेंगे, निगेशन वाले वेरिएबल, निगेशन वाले वेरिएबल क्या है, ये पी है, निगेशन पी है, ये क्यू है, हम जानबूझ के, हमको पता है ये कंक्लूजन है, सबसे बाद में लिखेंगे, ये आधार वाक्य इसको पहले लिखेंगे, निगेशन क्यू। ठीक, तो हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल लिखे, पहला क्या है, वेरिएबल्स लिख दो, ठीक है, दूसरे में क्या है, निगेशन वाले वेरिएबल लिख दो, ठीक, तीसरे में क्या है, प्रेमिसेस लिखो, प्रेमिसेस वन, प्रेमिसेस टू, ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन, इस तरह से आपको लिखना है। तो क्या है, सबसे पहले वेरिएबल, फिर निगेशन वाले वेरिएबल, हमको ये पता है कि निगेशन क्यों हमारा कंक्लूजन है, तो हम इसको लास्ट में लिख दिए, चलो लिख दिए। अब क्या है, अब क्या लिखना है, आधारवाक, तो आधारवाक पहला आधारवाक लिखो, पहले ये है ना, पहले आधारवाक पी हॉर्स टू क्यू, ठीक, दूसरा आधारवाक क्या है, ये तो इसको आगे आपको समझने के लिए आप दूसरा क्यू प्रेमिसेस, ठीक है, वन प्रेमिसेस टू, और ये क्या है, कंक्लूजन, ठीक है, जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। अब हमको पता है कि चार रो बनने में इसकी, हमने पूरा आर्गुमेंट फॉर्म को तोड़ लिया, इसको लिख लिया पूरे में, चार रो बननी थी, चार रो बनी है, तो हमने क्या, कैसे शुरू करना है आपको, चार का आधा दो, दो क्या, दो टी और दो एफ, चार हो गए, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, चार रो निकली थी, टी से शुरू करनी है, आधा आधा जितनी रो निकले उसका फर्स्ट पहले टी लिखेंगे, फिर सेकंड एफ लिखेंगे। अब पहला जब आपने जितनी रो है आधा आधा लिख दिया, एच आधा सब कुछ अब इसी से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या है, इसका आधा कर दीजिए, तो दो टी दो एफ है, इसका आधा एक टी एक एफ, एक टी एक एफ, ओके। क्यू की वैल्यू ये है, तो निगेशन क्यू की वैल्यू क्या है, तो Q यदि ट्रू है तो निगेशन Q फॉल्स हो जाएगा, निगेशन ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ओके। अब क्या है, P हॉर्स टू Q, क्या सिंबल बना है,
और सुगमाना है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट हुआ, मटेरियल इंप्लाई करेगा, मटेरियल इंप्लीकेशन हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, क्या हमने बताया था मटेरियल इंप्लीकेशन में, इसकी वैल्यू जो एफ यदि एंसीडेंट है तो ट्रू होगी, ट्रू एफ ट्रू ट्रू, ठीक है। एक तरीका और बताया था कि यदि हम पीछे वाले ट्रू देखें कि कहां पे ट्रू है, ट्रू है ट्रू हो गया, यहां फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, यहां ट्रू है तो ट्रू, दोनों असत्य तो भी ट्रू, ठीक है। प्रमसेस वन हमने लिख लिया, अब प्रमसेस टू क्या, निगेशन क्यू हम लिख चुके हैं, फिर एक बार हमने कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए, ठीक। दोनों प्रमसेस हो गई, इसके बाद कंक्लूजन लिखना है आपको, कंक्लूजन क्या, निगेशन पी, पी की जो वैल्यू है वो निगेशन में, पी की क्या टी टी है, एफ 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 एफ, फिर क्या है एफ 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 टी टी, आधार वाक्य और निष्कर्ष, पूरा हमने इसकी सत्यता सारणी बना ली। अब ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए। कैसे चेक करेंगे, आपको पता है ये पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ठीक है। ये आर्गुमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है आपको चेक करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सत्य आधार वाक्य कहां है, क्या देखेंगे, सत्य आधार वाक्य। सत्य आधार वाक्य का मतलब कि आधार वाक्य जहां पे सत्य हो, एक सत्य एक असत्य, ये नहीं, यहां पर एक असत्य ये सत्य है, ये भी नहीं, एक सत्य है एक असत्य है ये भी नहीं, जहां पे आधार वाक सत्य है ये वाली लाइन। चौथी रो में क्या मिल रहा है, आधार वाक सत्य। अब इससे फर्दर, जहां पर आधार वाक सत्य है उसके सामने का निष्कर्ष जो है वो क्या कह रहा है, मतलब उस रो का निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो क्या है ये भी ट्रू है। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी कैसे डिसाइड करेंगे, यदि आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो युक्ति वैध वैलिड, और यदि आधार वाक्य सत्य है निष्कर्ष वाई दबे यदि एफ हो जाता तो आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाता, अवैध हो जाता। कैसे, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हम, कि फोर्थ रो, कौन सी रो है, फोर्थ रो के आधार वाक्य प्रेमिसेस तो सत्य है लेकिन निष्कर्ष, फोर्थ रो में आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है, ये कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है, निष्कर्ष भी सत्य है इसलिए आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है। तो क्या हो गया, फोर्थ रो, ठीक है, फोर्थ रो में क्या है, प्रेमिसेस आधार वाक्य भी सत्य है, प्रेमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन आल्सो ट्रू, देयरफोर आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड, ठीक। मतलब चौथी पंक्ति के आधार, चौथी पंक्ति में आधार वाक्य भी सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है इसलिए युक्ति वैध है। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा एक्सरसाइज, एक हल्का सा एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी हमने एक ले लिया, सपोज कर लिया, ऐसा क्वेश्चन लिया, मीन्स कि ये आर्गुमेंट फॉर्म बताइए सत्यता सारणी से, ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो कैसे, सेम फॉर्मूला, क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ रो कितनी है कितने रो, क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
टू की पावर एन, एन क्या है ये वेरिएबल्स, पी क्यू आर कितने हैं, पूरी आर्गुमेंट में देखेंगे कितने हैं पी क्यू आर, तीन ही हैं, टू की पावर थ्री आठ, टू इंटू टू इंटू टू, तो एट रो हमको पता चल गए। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया कि आपको जितने वेरिएबल हैं उसको लिखो, पी क्यू आर वेरिएबल लिख दिए, और निगेशन वाले वेरिएबल भी लिखो, निगेशन वाले वेरिएबल क्या है, निगेशन पी है और निगेशन आर है, निगेशन हमको पता है कंक्लूजन है क्योंकि देयर फोर के बाद लिखा है, तो हम इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, लो यहां भी लिख सकते हैं ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हम आधारवाद और निष्कर्ष को एक साथ लिखना चाहते हैं जिससे क्या होगा हम उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को चेक कर सकें, आसानी से चेक कर सकें और हमसे कंफ्यूजन ना हो, कहीं गलती ना हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वेरिएबल लिखा, अब क्या करना था, प्रेमिसेस लिखना था ना, प्रेमिसेस हमको ये इतनी बड़ी प्रेमिसेस है, लेकिन हमको पता है कि ये इतनी बड़ी प्रेमिसेस है उसके पहले ब्रैकेट भी है ये, तो क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल, फिर निगेशन वाले वेरिएबल्स, फिर निगेशन वाले वेरिएबल, चलो यहां पर पी वो तो है और निगेशन आर, दो हो गए, फिर ब्रैकेट पी वेज क्यू, एक ब्रैकेट ये है क्यू डॉट आर, एक ब्रैकेट ये है, तो ये हमने कंक्लूजन मान गया, बाद में लिख दिया। अब क्या करेंगे, सब ब्रैकेट लिख गए, एक ब्रैकेट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीन ब्रैकेट हो गए, आप क्या प्रेमिसेस लिखेंगे, पी वन प्रेमिसेस वन, ठीक है, प्रेमिसेस वन हमने लिख दिया, पी वेज क्यू हॉर्स टू आर, पी टू क्या हो गया हमारा क्यू डॉट आर इक्विवेलेंट पी, ठीक, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हमने पूरे आर्गुमेंट फॉर्म को तोड़ दिया और ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसको कितनी रो थी, एट, क्या करना है, एट को हाफ और हाफ, एट का हाफ कितना हुआ फोर, फोर टी से शुरू करेंगे, फोर टी, आठ का हाफ फोर और फोर एफ, ठीक, चार टी चार एफ, बस एक बार हो गया काम, इसके बाद हम पूरा कर लेंगे, चार टी चार एफ, अगले वाले में क्या करेंगे, जितना है उसका आधा, चार का आधा दो, तो दो टी दो एफ, दो टी दो एफ, ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही रो में, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो कंफ्यूजन ना हो, टी का एफ पता चला यहां लिख दिया आपने, इससे आपको वैल्यू निकालने में परेशानी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए सिस्टमेटिकली रूल वाली कॉपी में करिए और अच्छा होगा आपका, एकदम सिस्टमेटिक, हाँ ये वाला ये ट्रू ट्रू है इसका है, ये फॉल्स इसका है, ये ट्रू इसका है। आगे बढ़ते हैं, आर की वैल्यू क्या है, इस वाले में दो टी टू एफ लिखे थे, तो अब आर में एक टी एक एफ, एक टी एक एफ, एक टी एक एफ, एक टी एक एफ, देखो वेरिएबल में लास्ट में एक टी एक एफ आएगा, हमेशा एक टी एक एफ, एक टी एक एफ आएगा, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अब निगेशन पी की वैल्यू, पी की वैल्यू पता है आपको, चार बार टी है चार बार एफ है, तो निगेशन पी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब चार बार एक दो तीन चार और चार बार, ठीक, निगेशन आर इसकी टी एफ टी एफ है, एफ टी एफ टी कर देते हैं, ठीक, जो आर की वैल्यू है और निगेशन आर उल्टा हो जाएगा, टी है तो एफ हो गया, एफ है तो टी हो गया, टी है तो एफ हो गया, ठीक। अब क्या था, पी वेज क्यू, मतलब पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, उसमें क्या देखना है, इन दोनों के बीच में वेज, वेज मतलब वियोजन, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या है, इफ एनी ट्रू इज ट्रू, इफ एनी वन इज ट्रू देन ट्रू, ठीक है, कोई एक सत्य है तो सत्य, देख लो ये क्या है? दोनों सत्य है सत्य, कोई एक सत्य है तो सत्य, कोई एक सत्य है तो सत्य, कोई एक सत्य है तो सत्य, कोई एक सत्य नहीं है यहां, ये एफ एफ,
क्यू डॉट आर आर इसमें इसमें क्या देखना है डॉट डॉट मीन्स कंजंक्शन। कंजंक्शन कब सत्य होता है? कंजंक्शन जब दोनों ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तो ट्रू। क्यू डॉट आर दोनों ट्रू हो तो ट्रू। ये दोनों ट्रू नहीं है, ये एफ, ये दोनों ट्रू नहीं है एफ, ये दोनों एफ हैं, ये एफ, ये दोनों ट्रू हैं ट्रू, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ठीक है। अब P1 में क्या है? P वेज Q, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको देखनी है, और इसके साथ हॉर्सू R, तो हॉर्सू R मतलब ये, फिर ये हॉर्सू R है, मतलब कौन सी पॉइंट किधर है? बाद में, तो R की वैल्यू बाद ये वाली रखनी है, ठीक है। तो आप देखिए ये हॉर्सू, ये इस तरह से पढ़िए T हॉर्सू T, क्या होगा टी हॉर्सू एफ एफ टी हॉर्सू टी 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 हॉर्सू एफ एफ टी हॉर्सू टी 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 हॉर्सू एफ एफ टी टी लास्ट में भी क्या है एफ हॉर्सू एफ। तो यदि एंटीसीडेंट ट्रू है, हाँ सॉरी ये एफ है तो वैल्यू इसका ये एंटीसीडेंट ये वाला हुआ ना पी वेज क्यू हुआ, तो ये इसकी वैल्यू ये हो गई। इसी तरह से आप क्या देखना है आपको नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू क्यू डॉट आर की वैल्यू किसके साथ? P के साथ, ठीक है, P के साथ, इसकी वैल्यू P के साथ। इक्विवेलेंस क्या है? बाई कंडीशनल मीन्स कि दोनों यदि समान हैं, दोनों की वैल्यू ट्रू है या दोनों की वैल्यू F है तो ट्रू, बाकी असत्य F। अब देख लीजिए थोड़ा सा टी दोनों ट्रू हो गए, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, एफ 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 एफ, फिर ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ऐसे आ गया। बिल्कुल एक आपको बोर्ड में जगह कम है और आप पूरा इस तरह से नहीं फोकस हो रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना उसी रो का, ये देखना है एफ बाई कंडीशनल, ये वाली वैल्यू एफ बाई कंडीशनल एफ ट्रू, एफ बाई कंडीशनल एफ ट्रू, एफ बाई कंडीशनल एफ ट्रू, ठीक है, टी एफ, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये ट्रू। नेगेशन पी वेज नेगेशन आर, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू किसमें? वेज में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वेज। वेज में क्या होता है? वेज क्या है? इफ एनी वन इज ट्रू, ठीक है, इफ एनी वन इज ट्रू, तो ये एनी वन इज ट्रू तो ये क्या होगी? फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है। तो पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू, फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, ये वैल्यू एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। अब क्या हमने P1 P2 कंक्लूजन एक साथ आ गए। अब क्या बोला है हमने कि आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड है इसको कैसे पता करो? बिल्कुल, हमने क्या बोला है, हर रो उसी रो में आपको देखना है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ठीक है, आठ रो बन गई। आठ रो में देखना आधार वाक्य कहां पर सत्य हैं, आधार वाक्य एक साथ, आधार वाक्य एक साथ सत्य, आधार वाक्य एक साथ सत्य यहां पहली रो में, फिर दूसरी तीसरी, ये यहां पर सत्य है, यहां पर देखिए, तो आधार वाक्य हमने सत्य पता कर ली, पहली रो, सातवीं रो और आठवीं रो,
तो पहली रो का, सातवीं रो का और आठवीं रो का निष्कर्ष क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो पहली रो का निष्कर्ष, सातवीं रो का निष्कर्ष और आठवीं रो का निष्कर्ष देख लो क्या कह रहा है। पहली रो का निष्कर्ष बोला फॉल्स। वैलिडिटी के लिए क्या होता है, यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। यहां क्या है, असत्य। मतलब ये आर्गुमेंट फॉर्म आगे देखने की जरूरत पड़ रही है, देख लीजिए, नहीं पड़ेगी तो क्या हो गया, यहीं से आपको पता चल गया कि आर्गुमेंट फॉर्म क्या है, इनवैलिड। लिखेंगे कैसे, दिस आर्गुमेंट फॉर्म इज इनवैलिड, किसमें, पहली पंक्ति में आधार वाक्य तो सत्य है और निष्कर्ष असत्य है। आप कहेंगे सर यहां पे तो सत्य है, यहां पे भी सत्य, तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं, यहां पे तो वैलिड है, यहां पे यहां यहां पे नहीं। आर्गुमेंट यदि एक भी रो में कहीं भी उल्लंघन हो गया, भले ही आप सातों में होता एक जगह भी एक रो में ही गड़बड़ हो जाता तो आपकी आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाती। वैलिडिटी के लिए स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य होना ही होना चाहिए। एक भी रो में ऐसा नहीं है तो आर्गुमेंट इनवैलिड हो गई। जहां पे इनवैलिड है उसको आपने मेंशन कर दिया। मान लीजिए एक ही रो में हो सकता है, दो रो में भी हो सकता था, चार रो में भी हो सकता था, तो जो जो भी रो में हो रहा है उस रो को आप मेंशन कर लीजिए कि पहली में, दूसरी, मान लो यहां पे टी होता सपोज, तब पूरा सिनारियो देखिए, एक टी से पूरा सिनारियो चेंज हो गया, आपका पूरा आर्गुमेंट फॉर्म चेंज हो गया, ये आर्गुमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया, वैलिड हो गया। और लिखेंगे कैसे, कौन कौन सी पंक्ति से पता चला वैलिडिटी एंड वैलिडिटी, फर्स्ट रो में दोनों आधार वाक्य सत्य है, निष्कर्ष भी सत्य हो गया, सातवीं पंक्ति से दोनों आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है, आठवीं पंक्ति में दोनों आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है। तो लिख देंगे पहली सातवीं आठवीं पंक्ति में आधार वाक्य सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है, इसलिए युक्ति आकार वैध है। लेकिन ये एक्चुअली में हमारा क्या निकला है, अवैध, फॉल्स है ना। फॉल्स के लिए वैलिडिटी, ये सॉरी इनवैलिडिटी आपकी पहली रो से डिसाइड हो गई, तो फर्स्ट रो में आप बता देंगे कि दोनों आधार वाक्य सत्य हैं और निष्कर्ष असत्य है, इसलिए आर्गुमेंट फॉर्म इनवैलिड है। ओके, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आर्गुमेंट फॉर्म के सब हल कर लीजिएगा, घबराइए मत। प्रोसेस ध्यान रखिए, सबसे पहले आप वेरिएबल लिखेंगे, फिर निगेशन वाले वेरिएबल, फिर छोटे ब्रैकेट लिखने के बाद आप P1 मतलब प्रिमिसेस 1, P2 मतलब प्रिमिसेस 2 और कंक्लूजन। कोशिश कीजिए कि आधार वाक मतलब प्रिमिसेस और कंक्लूजन को एक साथ रखिए, जिससे आपको लास्ट में वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने में आसानी रहेगी और गलती होने की संभावना कम रहेगी। देखिए एक ही टी से आपकी सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। आप कहेंगे कि सर हम एग्जामिनेशन में सही तो करके आए थे, ठीक है सब आपने सही किया, पता चला आपने थोड़ी सी भी लेजीनेस दिखा दी, एक टी की जगह आप हो गया गलती से, तो आपका पूरा किया कराया सब नष्ट हो गया और आपके मार्क्स जीरो आ गए इसमें। इसलिए केयरफुल रहिए, अच्छी तरह से करिए, बहुत आसान है, और अच्छी तरह से परीक्षाओं की तैयारी करिए। गुड लक, कोई परेशानी हो बार बार मैं कहता हूँ आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।